सरायकेला के RIT पुलिस को मिली कामयाबी। रिम्स से फरार कुख्यात पगला हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। एक अन्य साथी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। चर्चित रवि शर्मा हत्याकांड के आरोपी मुरारी सिंह की हत्या की बना रहा था योजना, SP ने किया खुलासा। सरायकेला खरसावा जिला के RIT थाना पुलिस ने चर्चित रवि शर्मा हत्याकांड मामले के आरोपी रहे मुरारी सिंह की हत्या की योजना बनाते दो हिस्ट्री शीटर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम राजा सिंह उर्फ राजू पगला और प्रकाश गोप उर्फ छोटू गोप बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के पास से एक लोडेड देशी कट्टा और दो जिंदा गोली बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SP मनीष टोप्पो ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि रिम्स में इलाजरत अपराध कर्मी राजा सिंह बीते 24 मार्च को फरार हो गया है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से RIT थाना क्षेत्र के भ्रमणशील है। सूचना मिलते ही SDPO के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया। SIT ने RIT थाना क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान शुरू किया। इसके लिए कुछ गुप्तचर भी लगाए गए। गुप्तचरों ने सूचना दिया कि उपरोक्त अपराधी अपने एक अन्य साथी के साथ कुलुपटांगा स्थित मुन्ना शर्मा के ईंट भट्टा खरकाई नदी के किनारे बैठकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आलोक में SIT टीम द्वारा छापेमारी कर राजा सिंह एवं प्रकाश गोप को अवैध लोडेड देशी कट्टा एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि RIT ट्रांसपोर्ट कॉलोनी के रहने वाले मुरारी सिंह की हत्या करने की योजना बना रहे थे। बता दें कि आदित्यपुर के चर्चित रवि शर्मा हत्याकांड में मुरारी सिंह अभियुक्त रहा है। मामले में फिलहाल वह जमानत पर है। दोनों अपराधी पूर्व में मुरारी के साथ ही रहते थे, मगर अब दोनों के रास्ते अलग अलग है। SP ने बताया कि अपराधी राजा सिंह उर्फ राजू पगला के खिलाफ जमशेदपुर, सरायकेला और रांची के बरियातू सहित अन्य थानों में कई मामले दर्ज है, जबकि प्रकाश गोप उर्फ छोटू गोप के खिलाफ RIT में आर्म्स एक्ट सहित अन्य मामले दर्ज है। RIT थाना के द्वारा दो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक राजा सिंह उर्फ राजू उर्फ पगला है और दूसरा प्रकाश गोप है। इन दोनों की गिरफ्तारी कुलुपटांगा स्थित एक ईटा भट्टा है खरकाई नदी के किनारे, वहाँ से इन गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद हुआ है। ये लोग काफ़ी शातिर अपराधी हैं, पुराने काफ़ी केसेस में ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं। कुल 7 केस आर्म्स एक्ट का इनके ऊपर दर्ज है और पिछले 24 तारीख को ही ये लोग इलाज के क्रम में रिम्स से भाग गए थे। रिम्स से भागने के बाद ये लोग फिर RIT क्षेत्र में आए और यहाँ एक व्यक्ति की हत्या की योजना बना रहे थे, जिसकी खबर हम लोग को लगी। हम लोग द्वारा एक SIT बना करके इसमें काम किया गया और उन दोनों को पकड़ लिया। कुलुपटांगा मुरारी सिंह है, दुश्मनी है नहीं, भागा राजा था, लेकिन यहाँ पे जो घटना को कारित करने के लिए जो आए थे वो उसमें प्रकाश गोप को भी अपने साथ शामिल करें। प्रकाश गोप कुलुपटांगा का ही रहने वाला है। कुलुपटांगा सर ये तो जिले, हाँ उपलब्धि है कि लोगों ने दो अपराधी की गिरफ्तारी की है, साथ ही साथ किसी की हत्या बचाया है। 24 घंटे के अंदर सबसे बड़ा चीज़ है कि राजधानी रांची से, हाँ ये जो RIT थाना और इंस्पेक्टर साहब है तो उनको हम लोग अपने स्तर से पुरस्कार देंगे और हम लोग उनका नाम भी आगे बढ़ाएंगे तो उनके स्तर से भी पुरस्कृत किया जाए। जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, हम लोगों को नई नई सूचनाएँ मिल रही हैं। इधर आप पिछले दिनों में देखे होंगे कि अवैध देसी शराब के भट्टों पर भी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है खरसावा पुलिस के द्वारा, साथ ही साथ गांजा भी हम लोग पकड़े हैं। और जो भी हम लोग को सूचना मिल रही है, हर सूचना पर हम लोग काम कर रहे हैं। कभी हो सकता है कभी सफलता मिलती है, कभी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जो भी हम लोग को सूचना देंगे हम लोग उस पर काम करते हैं, जो भी हम लोग को सूचना मिलती है उस पर काम करते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए कुणाल कुमार की रिपोर्ट।